आप सबसे निवेदन है, श्रोताओं से निवेदन है कि आप कृपया अपनी सीट पे बैठे रहें। नमस्कार। समा बांधने के पहले की स्थिति का बयां होना भी आवश्यक होता है और उसी क्रम में चौथा इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान समारोह 2018 जो कि लखनऊ में 5 से 8 अक्टूबर 2018 को आयोजित होने वाली है, उसी के संदर्भ में ये प्राक्कथन प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम विज्ञान भारती का पश्चिम बंगाल अध्याय विवेकानंद विज्ञान मिशन के सहायता से केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है। यह हमारे सौभाग्य है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप, सचिव बायोटेक्नोलॉजी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भवन मंत्रालय, और श्री जयंत शास्त्रबुद्धे जो कि राष्ट्रीय आयतन सचिव विभाग के तरफ से हैं। उनके साथ हैं हमारे संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर इंद्रनील चौटराज, डॉक्टर बी बी झा। साथ ही यहाँ प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं बहुत से संस्थानों से आए हुए निदेशकगण, अधिकारीगण, हमारे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकगण तथा कलकत्ता से बहुत से विद्यालयों से आए हुए छात्राओं और मेरे सहकर्मियों, आप सबको इस शुभ अवसर पर हमारे संस्थान में स्वागत करते हुए मुझे अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। महोदयगण, आप सबका यहाँ स्वागत है। मैं आप सबके अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो है पूरे देश में सीधा संप्रसारण हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर रेणु स्वरूप, श्री जयंत सहस्रबुद्धि सर, डॉक्टर इंद्रनील चौटराज, डॉक्टर बी बी झा जी को निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद महोदय। अब समय है हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का उत्तरीय द्वार अभिषेक का। मैं अपने संस्थान के निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगी कि वो कृपया केंद्रीय मंत्री जी को उत्तरीय से सम्मानित करें।
मैं डॉक्टर उसी जहाँ से अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर रेणु स्वरूप को उत्तरिया पहनाए। धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर बीबी झा जी को अब डॉक्टर बीबी झा जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्री जयंत सहस्रबुद्धे साहब को भी उत्तरीय से सम्मान करें। धन्यवाद महोदय। अब सर्वप्रथम अनुष्ठान दीप प्रज्वलन करने हेतु मैं उपस्थित सभी विशिष्ट मानवरों से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया आगे आए और दीप प्रज्वलन कर इस सत्र का उद्घाटन करें। धन्यवाद महोदयगण। धन्यवाद शिवपुर की हिंदू हाई स्कूल की गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं की जिन्होंने इतनी सुंदर सरस्वती वंदन और आके स्वागत भाषण दें। नमस्कार। आप सभी को आज CGCRI की ओर से स्वागत। ऑनरेबल श्री हर्षवर्धन जी, द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ अर्थ साइंसेस एंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, रेस्पेक्टेड डॉक्टर स्वरूप, रेस्पेक्टेड श्री सहस्रबुद्ध जी, ऑन बिहाफ ऑफ myself, Dr. Jha, and especially on behalf of this entire institute, it's a matter of great pride for us to have our minister visiting us after a
gap of maybe about 2 years. Dr. Harshvardhan has been a phenomenon in scientific dissemination. As a scientist, we feel very proud when our innovations or our intermediations touch the lives of maybe a few hundreds or a few thousands. Dr. Harshvardhan initiated the pulse polio. He was the pioneer of the pulse polio movement in India, which affected about 88 million children of this country. Let's look at the enormity of that particular contribution. 88 million children as a population is greater than 90% of the countries of the world. But that is not the only reason we admire Dr. Harshvardhan. It's because of, in spite of the greatness of his scientific contributions, he still remains a person who is very approachable, who has a very down-to-earth attitude and demeanor with regards to scientific dissemination. Dr. Harshvardhan, like most of us here, believes that the Shrutas, the Tarbak, the Siddhantacharyas, the Aryabhattas, the Bhaskaracharyas should be considered as great, if not greater, than the Aristotle and the Plato's of the world. He lays a lot of emphasis on Indian scientific legacy. In fact, the India International Science Festival celebrates Indian achievements of the past as well as of the present. Dr. Renuka Swarup has been a very well-known, a renowned biogeneticist, and of course, she is now the secretary of DBT. One of our greatest achievements has been to bring science, biological science, innovations in biological science to the forefront through a platform called BIRAC, and it's a matter of pride to have her here today. Mr. Sahasrabuddhe has dedicated his life to scientific dissemination. Mr. Sahasrabuddhe has been a keen lover of Vedic sciences and of ancient Indian sciences, and it is only very befitting that he is one of the lead kingpins in the dissemination of Indian sciences through the platforms of Bigyan Bharati and through a number of other platforms. To all of them, we feel privileged to have all of you here today, sir and gentlemen and madam. On behalf of this institute, we feel doubly privileged that our beloved minister has chosen this institute as the venue for the curtain raiser to the India International Science Festival. We thank you, sir, for kindly bestowing us with this honor. We are privileged on that account. Lastly, but not least, there are a number of students and teachers who have come here in very large numbers. The scientific temper of this city is very well known, and I'm sure that scientific temper will be carried on by the students who have assembled here after they hear the inspiring speeches of our minister and of Dr. Swarup and Mr. Sahasrabuddhe. I do have a number of dignitaries from around the city visiting us today. You do embellish this particular program. Thank you for coming here. And lastly, I welcome you all from the bottom of my heart, from the bottom of the CGCRI heart, from the bottom of CSIR's heart to this August gathering. Thank you very much. धन्यवाद महोदय. अब मैं श्री जयंत सहस्रबुद्धे राष्ट्रीय आयोजन सचिव विभा को आमंत्रण करती हूँ कि वो आए और दो शब्द बोले. अपने भारत शासन के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी,
जो लगभग 4.5 वर्षों से अपने देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बहुत ही बढ़िया इस प्रकार का नेतृत्व कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो अपने देश का है उसकी सम्माननीय सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप जी, इस संस्थान के दो वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत चट्टराज जी और डॉक्टर झा जी, कोलकाता के विज्ञान क्षेत्र के जो महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे हैं वो सभी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये जो एक लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम कोलकाता में आज आयोजित किया गया है, उसमें सम्मिलित सारे छात्र छात्राओं और इस संस्थान के वैज्ञानिक सभी को मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज अपने देश का राष्ट्रभाषा दिन है और मुझे बहुत आनंद हुआ कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का संचालन भी अपनी राष्ट्रभाषा में हो रहा है। भारत और भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें अपने देश ने आधुनिक विज्ञान के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये सारा विश्व जानता है। लेकिन वर्तमान में जो भारत का स्थान है विज्ञान के क्षेत्र में, उसको और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये बात मन में रखकर अपने देश के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में विश्व के पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का स्थान ऊंचाई पर हो, उस दृष्टि से ये एक बहुत सुंदर इस प्रकार के विज्ञान उत्सव का आयोजन करना प्रारंभ किया। और प्रारंभ से विज्ञान भारती को ये सद्भाग्य मिला कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम में अपना भी कुछ योगदान दे। तो इसका प्रारंभ जब दिल्ली में पहली बार हुआ तब से लेकर विज्ञान भारती इस कार्यक्रम के साथ भारत सरकार के साथ जुड़ी है और इस कार्यक्रम को लगातार नई नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास विज्ञान भारती भी भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ कर रही है। ये चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस वर्ष लखनऊ में होने जा रहा है और अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से युक्त ये कार्यक्रम इस वर्ष एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरे देश में चल रही है। विज्ञान भारती के कई कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके अपने देश के हर कोने में इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसलिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। अब तक की जानकारी ऐसी है कि जिस प्रकार का यह कार्यक्रम हो रहा है ऐसे 80 कार्यक्रम अपने देश में निश्चित हो गए हैं और 80 स्थानों पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की जानकारी लोगों तक ले जाने का प्रयास हम सब मिलकर करने वाले हैं। अपने देश का विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर एक अच्छा नाम हो, भारत को पूरी दुनिया विज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत अग्रणी देश इस प्रकार से जाने, इसका यह बहुत ही सुंदर इस प्रकार का प्रयास है। हम सभी इसके साथ जुड़े हैं, ये हम सबके लिए बहुत सद्भाग्य का विषय है और हम इसी को और अच्छा बनाकर भारत को विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। हम सभी इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाकर अपने देश को भी आई बहुत अच्छी ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऐसा प्रयास भविष्य में हम सब मिलकर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आप डॉक्टर रेणु स्वरूप, सचिव बायोटेक्नोलॉजी विभाग विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अपना वक्तव्य रखेंगी। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आदरणीय मंत्री जी, जयंत जी, डायरेक्टर एंड झा साहब बोथ, प्लस ऑल द डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट फ्रॉम एंड अराउंड कैलकटा, द फैकल्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, द यंग रिसर्चर्स, द स्टूडेंट्स, इट्स इंडीड अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर अस that today in Calcutta we are launching, the Honorable Minister has agreed to launch the first curtain raiser
for this very important India International Science Festival. जैसे जैन जी ने आपसे कहा, ये एक फेस्टिवल है और इसको हम पूरे उत्सव की तरह मनाना चाह रहे हैं. बेसिकली पर्पस हमारा यही है कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को, यंग रिसर्चर्स को साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा इंथ्यूज कर सकें. दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर 4 years नाउ. दिस इज़ द 4th year दैट वी आर डूइंग दिस एंड वी हैव अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन विच विल बी एबल टू टेक यू थ्रू द स्लाइड्स विच गिव्स यू. Can you just put that on? This will just give you the glimpses of where we were over the last few years. But I think the whole purpose is also to let you know ke Lucknow mein what excitement is awaiting you. There are a lot of students, a lot of researchers who have agreed to be a part of this festival in Lucknow. And we are extremely happy that this time in the Lucknow Festival, the Honorable President has kindly agreed to inaugurate this festival. That clearly shows the importance that this festival has been able to create. We have the Honorable President who has agreed, and this is going to be very motivating for all our young students, our scientists, as we move on. It's also important to note the theme that we have put for this 4th festival, and that is Science for Transformation. And the entire program has been structured so that we actually bring out the transformation of science. And I think all of you working here do understand this, that science and technology is all about building partnerships. And the partnerships in turn have to impact the society. This impact on society is what we are trying to, will actually, you will see it when you come to Lucknow. You will see what that impact is going to be. This is a unique opportunity in which we have scientists not only from India but from overseas. We have many state departments participating. We have students and teachers across the country participating. And I think the ultimate message which is going to go out from this festival is that science is finally transforming the society with the participation of all stakeholders. And when we say stakeholders, it is actually not just the research institutes, but we go to the students, the colleges, the universities. That really is the stakeholder for us. The young entrepreneurs, the innovators, they are all going to be a part of this. And if you see the numbers which are being projected, we are really going to have about 10,000 students and delegates. I think the largest which any science festival can expect is going to be part of this. More than 500 institutions are going to be a part of this festival. And in the expo that we have, we are expecting something like 5 lakh visitors. But I think what is very interesting to note is this festival, as it's built up through the Ministry of Science and Technology with the Vigyan Bharati and Ministry of Earth Sciences, as we've been taking it forward, we have all the institutes involved, and more than 1,500 volunteers who are young students, researchers, are a part of this exercise, and not just for those 5 days. You can see the volunteers. Jayanji mentioned 80 institutes mein across the country outreach ho raha hai. Ye bina volunteers ke nahi ho sakta hai. We are very thankful to the volunteers who have taken this message, and you see many of them here. 500 teachers from across the country are going to come. Northeast pe hamara special focus hai, and more than 200 delegates hum Northeast se aayenge. 200 young innovators, and when I say young innovators, it's not young by age, but young in their whole part of entrepreneurship as they move on. This time there has been a unique effort which has been made ki hamare itne global Indians hain which are across the world, who have so much of commitment for this country. We've been able to request them to come, and they have actually offered to come on their own. 25 global Indians are coming, and they will be interacting with all the researchers and scientists, 10 other international experts, and we have a special women and entrepreneurs session which has more than 800 women scientists. I hope all the women scientists and researchers I see here are going to be part of that women entrepreneurial session. So these are some of the key events, the Global Indian Science Meet. We have the Student Science Village, which is actually the most important part of this festival, where more than nearly 3,000 students will be coming.
We are also looking, and these are coming as nominees of the MPs from different districts. So pan India, they're going to be covered. And these activities are going to include interactions with the senior scientists, activities which they're going to do in a number of houses. Very interesting, and I'm sure all the students, and I hope many of these students here will be participating in that event. We then have a young scientist conference, again for young researchers. Women scientists, I mentioned to you. This is the interesting one with the young innovators, which we call Sathi, because in science and technology harnesses innovations for impacting society. And these young innovators will be given an opportunity not only to showcase their innovations, but also to be able to interact with researchers. There is a separate session on Nav Bharat Nirman, which looks at what the problems are for the country and our mega missions. So can they contribute into the solutions for these missions? And that's what these innovators are going to do, to see how they become part of it. The Industry Academy, all the researchers know that today we are at a stage where we cannot take our research forward unless the industry and academia join hands as partners to take it. So this is going to be a key component of this Industry Academia meet. We also have high-tech science being brought to the students, and three very interesting sessions on genomics as a driver of national development, evolution of life and climate on Earth. I think every student would want to understand the nuances of this, and that is one of our exciting sessions. And today we are all talking about India being the hotspot for big data, for artificial intelligence, where we have a lot of potential. So a date with data, that's one of the excitements, which I think many of the students have found very interesting. We hope that this will, the senior experts who you interact with, you'll find it interesting with them. As we said, no science can progress without the teachers. So a National Science Teachers Congress has been planned, where we have more than 500 teachers. We also have a special session for the blind teachers, because taking this to those with disability is important. So I think those who can communicate to them, it's important to see that. And organizations such as this are those who actually take activities to the grassroots level. Unless science reaches the grassroots, it really doesn't have a meaning. And these organizations and institutions are going to meet to see how their extensions can move forward as we take it on. As I said, a stakeholder summit. We are going to have participation from all state governments, from their science and technology councils, and a large number of ministers who will also come to say how do we move forward. Many students find this as the most exciting part of the science festival. We do have Guinness World Record events. We hope this year also, as the last 3 years, India Science Festival, India International Science Festival, will be able to break a Guinness record and take it forward. Science is not all about sitting in your laboratories and studying. It's also about bringing in the films and the literature to it. That's the excitement also. You always have to look outside your laboratory. So there's a wonderful science film and literature festival where people will come and explain to you what the three events in the science are. What are the science films? It's also important for the communicators to understand that you need to communicate science, and that communication of science is the crux of it. If the media here does not communicate appropriately what we say today, it would not reach the masses. That's exactly what we would try to take into this event. We have a special focus on the East and the Northeast, as I said, a whole Northeast conclave. But what is interesting is Calcutta, where we are today, and the Eastern Zone. We're very happy to see the response we've got from you. These are the districts from where the students are going to come. I hope we'll have more as we go closer to the date. But we also have all these institutes from in and around Calcutta participating. I'll urge all the directors here to ensure that you have a larger participation there, because I'm sure your faculty will not only be able to gain in this, but also be able to deliver their knowledge to the students and the young researchers with whom they participate. That's what it is. Jayanji mentioned 80. So you see, Jayanji, ek din mein 76 se 80 ho gaya. Kal tak humare paas 76 ka data tha. Aaj aapne 80 kar diya isko. I'm sure, jab tak hum agla curtain raiser Delhi mein karenge, 80 se bhi aap aage chale jayenge. But that's the excitement of science. That's why we call it a festival. And lastly, there's going to be a wonderful mega science technology expo. Each research institute, each industry will get an opportunity to showcase what science is all about. It's time now for India to bring science out into the open, let people know we are part of the global ecosystem. We are very much there. What we haven't mentioned in this is, they're going to be lovely cultural shows in the evening, all with science theme as their basis onto it. So I think that's going to be what the excitement is. So we do look forward to welcoming you. But lastly, I would like to
thank our Honorable Minister. It's been his guidance, his leadership, which has brought us to where we are today. The challenge he gave us is this year's festival must be 10 times larger than last year. Not very sure, sir, whether we can make it 10 times larger, but yes, I do assure you that the excitement is 100 times larger. The numbers may not be there, but I hope with all of you there, it's going to be much larger and we'll move on. Thank you very much. Look forward to seeing you. धन्यवाद महोदया. अब हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री जी IISF 2018 के प्राक कथन का पटाक्षेप करेंगे, साथ ही मोबाइल ऐप का उद्घाटन करेंगे, तत्पश्चात वो अपना भाषण रखेंगे. मंत्री क्या करना है बोलो. नहीं कोई नहीं सर. ये ना ये वाला कौन सा है? अब मोबाइल ऐप की उद्घाटन होने जा रही है. So this is a fully functional app which is available on App Store and Google Play. The app talks about the various activities that we are doing. It has the complete agenda and it's a fully functional app. So I would request you all to please download the app and stay updated. Thank you.
you can download the app from Play Store, and on App Store it will be available on Monday. So type in the IISF 2018 and download the app. धन्यवाद. मैं अभी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, वो कृपया आए और अपना भाषण दें. Dr. Renu Swarup, Shri Jayant Shastrabuddhe ji, Dr. Jha and Dr. Indranil, यहाँ आज के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे दूसरी कोलकाता की साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर गोयल और बहुत सारे विद्यालय के, कलकत्ता के जो बहुत प्यारे हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके टीचर्स यहाँ पर आए हैं, कई विज्ञान प्रेमी यहाँ पर आए हैं, कई विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मीडिया के दोस्त वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं. और आज हमारे CSIR के लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ देश के बहुत सारे विज्ञान प्रेमी और वैज्ञानिक और हमारे यंग साइंटिस्ट जुड़े हैं. मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने प्रेम के साथ, इतनी ऊर्जा और इतने उत्साह के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हुए हैं. मुझे इस बात की भी विशेष रूप से खुशी है, इस बात का विशेष आनंद है कि आज हमारे चौथे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम के अंदर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, उनके सभी सहयोगी और भारत सरकार में हमारे बहुत सारे सहयोगी मंत्री, देश के हजारों वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के साथ उस आयोजन के साथ जुड़ेंगे. उस चौथे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए हमने इस बार देश के अंदर उसकी शुरुआत करने से पहले इस प्रकार के 80 कार्यक्रमों का आयोजन किया है. और उन 80 कार्यक्रमों में जो हमारे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को आयोजन करने के लिए भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का साथ पिछले 4 साल से लगातार चारों साइंस फेस्टिवल्स में विज्ञान भारती नाम की राष्ट्र धर्म को समर्पित एक ऊर्जा भरी संस्था
जुड़ी है वो इन 80 के 80 कार्यक्रमों के अंदर उनके आयोजन के अंदर हमारे विभाग की अनेक स्थानों पर लैबोरेटरीज के वैज्ञानिकों के साथ उनके समस्त कार्यकर्ता समस्त वॉलंटियर्स और समस्त वैज्ञानिक भी इस आयोजन में जुड़े हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मुझे विशेष रूप से इस बात का आनंद है कि इन 80 कर्टन रेजर जैसे कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम आज हम कोलकाता में कर रहे हैं और यह आयोजन भी विशेष 14 सितंबर के दिन जैसा कि कहा गया बताया गया याद दिलाया गया। वैसे तो भारत के अंदर इसको याद दिलाने के लिए दिवस मनाया जाए ये भी एक अजीब सी विडंबना है, लेकिन आज हिंदी दिवस के अवसर पर पवित्र अवसर पर हिंदी वह भाषा है जो हम सबको जोड़ती है पूरे देश को जोड़ती है और उस अवसर पर यह कार्यक्रम कलकत्ता के अंदर आयोजित किया गया है। मैं जब भी कलकत्ता आता हूँ जिसका मुझे पिछले 4 साल में तो विशेष रूप से बहुत बार मौका मिला सौभाग्य मिला क्योंकि कलकत्ता हमारे देश के उन स्थानों में से है जो शायद उनको अगर ये बोले कि ये विज्ञान की हब है ये साइंस की सिटी है देश की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रतिभा की अगर नींव कहीं पर स्थापित हुई और जहाँ से सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों को और देश के लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है अपना समाज धर्म अपना राष्ट्र धर्म अपना मानव धर्म निभाने के लिए जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है वो ऐसा बंगाल और उसकी राजधानी कलकत्ता है। मैं रामकृष्ण परमहंस जी का स्वामी विवेकानंद का और विशेष रूप से बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और उसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार साहब ने भी अपनी जो डॉक्टरी है वो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में की और वहीं से उन्होंने जो समाज की और देश की जो तकलीफ़ है उसका डायग्नोसिस करने के लिए अपना विजडम डेवलप किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और ऐसे कितने सारे वैज्ञानिक क्षेत्र में हम देखें तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस साहब एस एन बोस जी मेघनाथ सहा साहब के तो ऑडिटोरियम के अंदर जो उनकी पवित्र स्मृति के साथ जुड़ा है हम यहाँ आज बैठे हैं पीसी राय साहब और जिन्होंने भारत को नोबल प्राइज़ लाकर दिया ऐसे सर सीवी रमन जैसे कितने सारे महान विभूतियाँ इस कलकत्ता के अंदर सारे देश के क्रांतिकारियों को अगर कोई प्रभावित करता था आज भी करता है तो लोग कहते हैं बंगाल के क्रांतिकारी जो है वो सारे देश के अंदर देशभक्ति की ऊर्जा जो है उसको प्रतिपादित करते थे। और इस नाते मैं वो सब महापुरुषों का नाम लेते हुए अगर मैं अपने महान नेता और जिस विचार को मैं राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता हूँ उस विचार के संस्थापक देश के महान एकेडमिशियन अगर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल जाऊँ तो यह शायद ठीक नहीं होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर आशुतोष मुखर्जी कितने सारे महान व्यक्तित्व इस बंगाल के अंदर हुए हैं और विशेष रूप से कलकत्ता के साथ उनका किस प्रकार का जुड़ाव रहा है। अभी तो 3 दिन पहले हम लोगों ने वो महत्वपूर्ण दिन का आयोजन देश और दुनिया के अंदर किया 11 सितंबर 1893 का वो ऐतिहासिक दिन जब 125 साल पहले इसी कलकत्ता के शहर से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स के अंदर शिकागो के अंदर सारी दुनिया के लोगों को एक दिव्य संदेश दिया था और उस दिव्य संदेश की गूंज जो उन्होंने भारत की संस्कृति की महानता के संदर्भ में सारे दुनिया को अवगत कराया था वो गूंज आज भी अमेरिका के अंदर दुनिया के दूसरे देशों के अंदर उसी प्रकार से गूंजती है। और शायद जो लोग शिकागो के अंदर गए हैं और उन्होंने वो स्थान देखा है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने वो 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया होगा तो उनको ध्यान में आएगा कि अमेरिका के लोगों ने स्वामी विवेकानंद का वहाँ इतना खूबसूरत मेमोरियल बनाया है जितना कि शायद आपको कहीं भारत के अंदर भी उतना खूबसूरत मेमोरियल देखने को ना मिले। इस प्रकार के महान लोग बंगाल के अंदर जो है यहाँ की धरती ने देश को दुनिया को दिए हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आज विशेष रूप से अपने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो कर्टन रेजर है इसको यहाँ से इसका शुरुआत करने के अंदर बहुत विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है और उससे भी ज़्यादा विशेष आनंद की अनुभूति इसलिए हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतने उत्साही और इतनी ऊर्जा के साथ भरे हुए हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे इस कार्यक्रम के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हमने क्यों शुरू किया, मुझे 4 साल पहले जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनने का मौका मिला और मैंने साइंस को समझना शुरू किया, यद्यपि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, 30 वर्ष से ज़्यादा एक्टिवली मेडिकल प्रैक्टिस किया और साइंस के बैकग्राउंड के बगैर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन जब साइंस को बहुत नज़दीक से देखा, कलकत्ता शहर के अंदर आकर लेबॉरटरीज़ को देखा, बेंगलौर में जाकर देखा, हैदराबाद में जाकर देखा, चेन्नई में जाकर देखा, पुणे में जाकर देखा, चंडीगढ़ में जाकर देखा, दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली में रहते हुए भी शायद उस दृष्टिकोण से कभी लेबॉरटरीज़ को नहीं देखा था। और बचपन में जिस नेशनल फिजिकल लेबॉरटरी के बारे में हमें फिजिक्स के टीचर रेफरेंस दिया करते थे उसको जाकर देखा, तब मुझे ध्यान आया कि साइंस जो है ये तो बहुत ही महान एक प्रकार से सब्जेक्ट है और इसकी जानकारी इसका ज्ञान और इसकी गहराई के अंदर डूबने के लिए देश के एक एक बच्चे के लिए एक एक नौजवान के लिए ये फैसिलिटी बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, विज्ञान एक आंदोलन बनना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर आज बहुत सारे कार्यक्रम उनका यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रमों को आज हम लोगों ने विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दूसरे विद्यार्थियों के लिए साइंस की लेबॉरटरीज में एक्सेस और दूसरे बहुत सारे कोई ट्रेनिंग के कोई स्किल डेवलपमेंट के कोई जिज्ञासा जैसे कार्यक्रम जब लॉन्च किए और जिस तरह से साइंस को नज़दीक से देखने का जो आज बच्चों को मौका मिलता है, अगर मुझे मेरे बचपन में वो मौका मिला होता तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं शायद अभी मैं बच्चों से पूछ रहा था तुम क्या बनना चाहते हो। यद्यपि यहाँ पर तो डॉक्टर भी बोला इंजीनियर भी बोला लेकिन थोड़े ज़्यादा बच्चों ने साइंटिस्ट भी बोला, मुझे बहुत खुशी हुआ। लेकिन मुझे मेरे बचपन में इस तरह की फैसिलिटी होती जो आज के बच्चों के लिए हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद मैं भी हो सकता है कि वैज्ञानिक बनना डॉक्टर बनने के मुकाबले पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डॉक्टरी के प्रोफेशन से मेरे को कोई तकलीफ है, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत जो हमने की वो इसलिए की कि हम इसको एक बड़ा आंदोलन बनाना चाहते हैं और बड़े सफलतापूर्वक देश के वैज्ञानिकों की सहायता से विज्ञान भारती के सहयोग से हमारे अपने डिपार्टमेंट्स के सहयोग से देश की सैकड़ों एकेडमिक और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के सहयोग से और हमारे सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के सहयोग से हम लोग लगातार 4 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स को सफलतापूर्वक आयोजित कर चुके हैं। पहले 2 फेस्टिवल हमने पहले 2 साल दिल्ली के अंदर
आईआईटी दिल्ली में किया, उसके बाद नेशनल फिजिकल लेबॉरेटरी में किया, पिछले साल उसको हमने चेन्नई में किया और इस साल हम लोग इसको लखनऊ में कर रहे हैं। और मेरे मन की अभिलाषा है, मेरे मन की इच्छा है कि जब हमारा पांचवा जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो तो वो इधर हमारे ईस्ट में होना चाहिए। ये कलकत्ता से लेकर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी स्थान जहाँ के जो हमारे वैज्ञानिक लोग उत्साह दिखाएंगे। लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ अभी कम से कम कह सकता हूँ कि शायद अगले साल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग खाली कर्टन रेजर के लिए नहीं आएंगे, हम लोग यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए यहाँ पर आएंगे। आपने स्वयं अभी देखा कि डॉक्टर रेणु स्वरूप ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन आपके बीच में रखा है और उसके अंदर एक आपको कल्पना देने की कोशिश की है कि पिछली बार जो साइंस फेस्टिवल थे उनमें क्या क्या हम करते थे। और इस बार हम लोगों ने पिछले साल जब साइंस फेस्टिवल को समाप्त किया था तो ये संकल्प किया था कि जब चौथा बार हम करेंगे तो इसको काफ़ी बड़ा स्केल अप करेंगे। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि एक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के पहले देश के 80 स्थानों पर इस प्रकार के कर्टन रेजर्स हो रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को खाली कोई स्कूल के अंदर कोई चिट्ठी जाती है उसी से जानकारी ना मिले, हमारे बच्चों को डायरेक्ट इस बात के लिए मन के अंदर जानकारी भी मिले, मन के अंदर उत्साह भी पैदा हो, अभिलाषा भी पैदा हो कि मुझे इस विज्ञान के साथ जुड़ना है। 10,000 से ज़्यादा हर बार हमारे यंग और एक्सपीरियंस्ड वैज्ञानिक बच्चे, और बच्चे भी हमारे, हमने ये प्रयास किया कि देश के एक एक गांव से, और ख़ासकर ऐसा गांव जो गांव ठीक प्रकार से विकसित ना हो पाया हो, जिसको आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे जो अपने सांसद लोग हैं वो उसके लिए विशेष प्रयास हर वर्ष करते हैं। तो हम लोग हर वर्ष अपने सांसद को भी कहते हैं कि आप कम से कम 5 बच्चे अपने आदर्श गांव से इस साइंस फेस्टिवल में भेजिए, और हम हमारे मंत्रालय की तरफ से उन बच्चों के लिए उनके आने की, उनके जाने की, उनके वहां पर रहने की, उनके खाने पीने की, उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं और उनकी जिम्मेदारी, उनकी, उनके टीचर्स की, ये हम लोग जो है अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के माध्यम से, अपने मंत्रालय के माध्यम से लेते हैं। आज खाली इन विद्यार्थियों के लिए वहाँ पर साइंस विलेज नहीं, तो जो ऐसे विद्यार्थी जो अपने जीवन के अंदर अपने आइडिया के बल पर, क्योंकि आजकल का जो युग है ये इनोवेशन का युग है, और आजकल ये कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है या जिस चीज़ में सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटकम का पोटेंशियल है वो आइडियाज़ की इकोनॉमी है। इसलिए ये भी कहते हैं कि जो पहले ज़माने में दूसरे किस्म के कोफिशेंट होते थे, इमोशनल कोफिशेंट और दूसरे कोफिशेंट, अब उसके बदले एक व्यक्ति का इनोवेशन कोफिशेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश के नौजवानों के लिए किस प्रकार से स्टार्टअप स्टैंडअप जैसा एक मूवमेंट क्रिएट किया है। ये स्टार्टअप स्टैंडअप जैसा मूवमेंट जिसमें 10,000 करोड़ रुपया केवल इसी काम के लिए रखा है, आज देश का कोई भी नौजवान, वो शिक्षित है, कम शिक्षित है, वो चाहे आदिवासी क्षेत्र में भी रहता है, उसको शायद उस प्रकार की मान लीजिए सुविधा नहीं भी उपलब्ध है, लेकिन अगर उसके दिमाग में कुछ नया करने का आइडिया है, नया करने का उसके दिमाग में जज्बा है, तो वो उस आइडिया को किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में डेवलप करे, अपने आइडिया से कोई देश के लिए, समाज के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप करे जिससे देश की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सके जो आज तक भी गुत्थियों में उलझी है, अनसुलझी है, तो उसके लिए एक बड़ा एक स्टार्टअप्स का मूवमेंट चल रहा है।
जिसको विशेष रूप से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सहयोग करता है। कई हज़ार 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है, और ऐसी ऐसी स्कीम है जिसमें कि खाली हम उसको सपोर्ट शुरुआत में ही नहीं करते, सीड से लेकर और उसको जो है वट वृक्ष बनने तक उसको कंटिन्यूसली जो है सपोर्ट किया जाता है। तो इस सारे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इस बार जैसा बताया गया, पिछली बार भी था, ऐसे सफल एंटरप्रेन्योर्स 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, उनको किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट करना है। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मानक जैसा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 1 मिलियन यानी 5 लाख स्कूलों के अंदर बच्चों को कहते हैं कि अपने आसपास की तकलीफ को देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है कि साइंस से तुम कैसे इसका समाधान कर सकते हो, और फिर हर विद्यार्थी हर स्कूल के अंदर ऐसे जो आइडियाज़ इमर्ज होते हैं उसमें से 2 बढ़िया आइडियाज़ को, बेस्ट आइडियाज़ को चुनते हैं, और ऐसे 5 लाख स्कूलों में 1 मिलियन आइडियाज़ को चुनते हैं, और फिर उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको बच्चों को अलग अलग लेवल पर प्रमोट करते हुए, उनके आइडियाज़ को विकसित करते हुए, जो बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इनोवेशंस करने वाले बच्चे हैं उनको हम फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस में राष्ट्रपति भवन के अंदर भी 1 हफ्ता 10 दिन ले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी अपने आइडियाज़ के साथ उनको वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंदर प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ी एकेडमिया की इंडस्ट्री की यानी एकेडमिक वर्ल्ड के वैज्ञानिक, नौजवान वैज्ञानिक भी, कल बनने वाले वैज्ञानिक भी, एस्टैब्लिश्ड वैज्ञानिक भी, एक्सपीरियंस्ड वैज्ञानिक भी, देश के वैज्ञानिक भी और देश के बाहर के वैज्ञानिक भी, ये ऐसा संगम है जहाँ सब प्रकार के वैज्ञानिक और इसके साथ साथ इंडस्ट्री के लोग, यानी साइंस का जो एक्सपो लगता है वहाँ पर, उसमें कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन आपको शायद मिसिंग नहीं मिलेगा जिसने साइंस के अंदर, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड का कहीं का भी हो, वो सब वहाँ पर आकर प्रदर्शन करते हैं। और किस प्रकार से साइंस के बीच में